बाप का साया एक बहुत बड़ा साया होता है। आप तो खुशकिस्मत हैं कि तादेर आपके सरों पर आपके वालिद साहब का साया रहा। कुछ ऐसे होते हैं कि जो दुनिया में आते ही नहीं हैं, उससे पहले ही उनके वालिद का साया उड़ जाता है, ऐसे भी होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बचपन में इस साये से महरूम हो जाते हैं। मेरी मिसाल है कि मेरी उम्र भी कोई 10 साल के करीब थी कि मेरे वालिद साहब का अचानक एक कार एक्सीडेंट में, एक रोड एक्सीडेंट में उनका विसाल हुआ। और रमज़ान शरीफ का महीना था, 12वां रोज़ा था, सहरी का वक्त था। तो बाप का साया औलाद पर एक मजबूत साहिबान की तरह होता है। जिसका बाप जिंदा होता है ना, वो बंदा जो ना बड़ा यूं खड़ा रहता है कि मेरा बाप है, अगरचे बूढ़ा हो लेकिन मेरा बाप है। तो जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह ताला उनकी हयात में बरकत दे, और जिनकी रुख्सत हो गए, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। तो वालिद साहब के हवाले से कुछ एक नज़म है, चंद अशआर पढ़ता हूँ। अब रमज़ान भी आने वाला है ना, सहरी होंगी, इफ्तारियाँ होंगी। तो एक दोस्त हैं, शायर हैं बहली, उसने कहा, उसने अपने वालदा के लिए कहा, लेकिन मैं इसको कभी वालदा के लिए, कभी वालिद साहब के लिए पढ़ देता हूँ, कोई कहता है तो। चिड़ियों की है चहकार, मगर तेरी कमी है। चिड़ियों की गचर का बगल तेरी कमी है, की गलग का बगल तेरी कमी है, की गलग किस्मत किया शफ़त बिदरी से है महरूम, किस्मत ने किया शफ़त बिदरी से है महरूम, दौलत का अंबार बगल तेरी कमी है, दौलत का अंबार बगल तेरी कमी है।
رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دوبارہ ہے سحریوں افطار مگر تیری کمی ہے سحریوں افطار مگر تیری کمی ہے سحریوں افطار مگر تیری کمی ہے کمی ہے قسمت نے کیا شفقت پدری سے مغروم دولت کا گیا بار مگرتے کمی کمی ہے پہلی کے امراض کی تشخیص کرے کون پہلی کے امراض کی تشخیص کرے کمی ہے مگر تیری کمی ہے۔